राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में 3 दिवसीय अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हो गया, जिसमें प्रदेश के 550 खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। समापन पर आयोजक मंडल और कॉलेज प्रबंधन की ओर से विजेताओं को सम्मानित किया गया। एथलेटिक्स मीट के दौरान हमीरपुर कॉलेज की प्रिया ठाकुर को प्रथम महिला वर्ग में और धर्मशाला के पारस को पुरुष वर्ग में बेस्ट एथलीट घोषित किया गया। अंतिम दिन लड़कों के हैमर थ्रो में पीसी सेंटर शिमला के सुमित प्रथम, ऊना के नवदीप कुमार द्वितीय और हमीरपुर के आदर्श तृतीय स्थान पर रहे। लड़कों की 1500 मीटर दौड़ में देहरी के रणधीर प्रथम, धर्मशाला के प्रिंस द्वितीय और अर्जुन कपूर तृतीय स्थान पर रहे। 400 मीटर दौड़ में ऊना के अंकेश नया कीर्तिमान बनाकर प्रथम, देहरी के दीपक द्वितीय और बिलासपुर के जितेंद्र तृतीय स्थान पर रहे। 4x100 मीटर रिले दौड़ में धर्मशाला कॉलेज प्रथम रहा। लड़कियों की 400 मीटर दौड़ में धर्मशाला की मनीषा प्रथम, लता द्वितीय और ऊना की प्रिया तृतीय स्थान पर रही। इंटर कॉलेज हिमाचल प्रदेश एथलेटिक्स का जो यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ, आज के इस समापन समारोह पर मैं प्रिंसिपल भाव सभी स्टाफ मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा। 3 दिन चला ये समारोह, सक्सेसफुली आज इसका समापन हो रहा है। कॉलेज के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी किसी भी टूर्नामेंट को कराने की होती है। मैं सभी टीम इंचार्जेस से रिक्वेस्ट करूंगी टूर्नामेंट कि वो अपने अपने कॉलेज के जो टीम विनर्स हैं उन्हें पंडाल में जल्दी से जल्दी भेजने की कृपा करें। हमें क्या हो सकती है, और साथ में बच्चों को ये भी कहना चाहूंगा, स्पोर्ट्स मैन फ्यूचर में कभी भी अपनी लाइफ में जो है वो पीछे नहीं देखता है। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, उसमें डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन के साथ साथ एक फ्रेंड उसका जो सर्कल हो जाता है वो फ्यूचर में बहुत काम आता है। तो एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स मैन का होना बहुत जरूरी है, और डे बाई डे हमारी भारतीय सरकार भी व प्रदेश की सरकार भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रयासरत है। और मैं बधाई भी देना चाहूंगा कॉलेज के प्रिंसिपल को, यहाँ एक इंडोर स्टेडियम ऑलमोस्ट कम्प्लीशन पर है और आने वाले कुछ महीनों में इसका भी इनॉग्रेशन हो जाएगी। ये इंडोर स्टेडियम भी एक बहुत बड़ी देन हमीरपुर व हमीरपुर कॉलेज के बच्चों को आगे मिलने जा रही है, और हमें विश्वास है आने वाले समय में जहाँ हमारा हमीरपुर जिला एजुकेशन में प्रथम स्थान रखता है, स्पोर्ट्स में भी दिन दूर नहीं कि हमीरपुर जिला हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में अपना नाम कमाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। इस दौरान राजकीय हमीरपुर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एच एस जम्वाल ने विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। लगातार दूसरा इवेंट है, इससे पहले आपको बताया गया कुछ अनुरक्षित हुई 3 दिन 2-3-4 तारीख को और 6-7 8 को। ये एक तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने विधायक का कि उन्होंने व्यस्त समय से अपना समय छुपा करके हमारे मध्य वो चीफ गेस्ट के रूप में रहे। इसमें लगभग 3 दर्जन कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया है, 450 उसमें पार्टिसिपेंट्स रहे और कोई विवाद नहीं हुआ। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बिना विवाद के ये सारा संपन्न हुआ। इससे पहले भी हमारे बुक पर इसी तरह विवादहीन रहा। इसका श्रेय में जो ऑर्गेनिंग सेक्रेटरी हैं डॉक्टर प्रणव वर्मा जी को और अपने स्टाफ की जितने भी सदस्यगण हैं, चाहे टीचिंग नॉन टीचिंग या बच्चे हैं या एथलीट हैं, उनको देखता हूँ क्योंकि उनके अथक प्रयास से रात दिन उन्होंने मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और साथ में मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इसको भी करियर चूज कर सकते हैं एथलेटिक अपने स्पोर्ट्स को। और आपके माध्यम से बच्चों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो जैसे आजकल एक मोबाइल पर है, मोबाइल पर ही बैठे रहते हैं तो उससे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती, तो अगर खेल के मैदान में आए तो दो उसके फायदे हैं, एक तो नशे से दूर रहेंगे और दूसरा अपना फिजिकली वो फिट रहेंगे। श्रेष्ठ था उनको, मतलब वो जो भी उनकी श्रेष्ठ उपलब्धि थी उस हिसाब से उनको मेडल्स दिए हैं। मैं भी प्रसन्न हूँ कि हमारे कॉलेज की भी इसमें काफ़ी अच्छी स्थिति रही।